हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निशा और आज हम बनाएंगे मटे के आलू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने हाफ के जी बटर मिल्क ले लिया है और 2 टेबलस्पून हमने बेसन ले लिया है। और बेसन को हम एक पतला घोल बना लेते हैं थोड़ा सा पानी डाल के। पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे बटर मिल्क में मिक्स कर देते हैं। इसे हमें बटर मिल्क में अच्छे से मिक्स कर देना है। तो चलिए अब कढ़ाई ले लेते हैं और 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देते हैं। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब हम 1/2 टेबल स्पून मेथी के दाने डाल देते हैं, थोड़े से पका लेते हैं। अब हम 1/2 टेबल स्पून हींग डाल देंगे, थोड़ी सी करी पत्ते डाल देते हैं और जिंजर और ग्रीन चिली जो हमने छोटा छोटा कट करके रखा था वो डाल देते हैं और फ्राई कर लेंगे। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल देते हैं, 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डाल देते हैं और हमने ये 4 मीडियम साइज के बॉयल पोटैटो लिए हैं। इन्हें मिक्स कर देते हैं, थोड़ा सा फोल्ड लिया था हमने इन्हें। पोटैटो को अच्छे से फ्राई करना है। तो हमारे पोटैटो फ्राई हो चुके हैं। अब हम 1/2 कप पानी डाल देते हैं और 1 मिनट के लिए पका लेंगे इसे। तो देखिए ये पक चुके हैं। अब हम इसमें बटर मिल्क का जो घोल है उसे डाल देंगे और चलाते हुए डालना है। और इसे हमें चलाते हुए ही पकाना है, जब तक इसमें बॉईल ना आए तब तक इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। तो देखिए इसमें बॉयल आ चुका है। अब हम 1 टेबल स्पून नमक डाल देते हैं, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए। नमक को हमने मिक्स कर दिया है और अब लीड लगा देते हैं, 5 मिनट के लिए इसे पकने देते हैं। पाँच मिनट हो चुका है, चलिए हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये पक चुका है। हरी धनिया डाल देंगे, धनिया के पत्ते डाल देते हैं, मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और अब हम इसे लीड लगा देंगे और 10 मिनट के बाद हम इसे सर्व करेंगे, गैस हम ऑफ कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे मटे के आलू रेडी हो चुके हैं। तो आप भी एक बार ट्राई करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।